आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का चैप्टर नंबर 3, द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस। इस चैप्टर में हम समझेंगे हाउ रिस्क इज मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल्स, हम समझेंगे हाउ इंश्योरर मैनेज रिस्क, यानी कि एक इंडिविजुअल आदमी, एक सिंगल आदमी किस तरह रिस्क मैनेज करता है, इंश्योरेंस कंपनी किस तरह रिस्क मैनेज करती है, प्रीमियम कैसे फिक्स होते हैं, री इंश्योरेंस क्या है और इसका महत्व क्या है, और इंश्योरेंस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट में जो रोल है उसके बारे में आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हूं आबाद खान और आप देख रहे हैं बीमा साथी यूट्यूब चैनल। अंडरस्टैंड हाउ रिस्क इज मैनेज बाई इंडिविजुअल। रिस्क इज अनफेवरेबल इन लाइफ, वी ऑल टेक रिस्क एवरी डे, वेदर इट इज ड्राइविंग अ कार और मैनेजिंग अ बिजनेस। हाँ, रिस्क जो है वो अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल के उसे खत्म नहीं किया जा सकता। लाइफ पर रिस्क है, हम अपनी कार ड्राइव कर रहे हो या बिजनेस मैनेज कर रहे हो, हर जगह कुछ ना कुछ रिस्क जरूर होता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या रोड पे जा रहे हैं तो ह्यूमन लाइफ है, उसको भी खतरा है, एक्सीडेंट में डेथ हो सकती है, फैमिली का क्या होगा, ये सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इमेजिन दैट यू आर बाइंग ए हाउस, थिंक ऑफ सम ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस। दिस कैन इंक्लूड द रिस्क ऑफ डैमेज टू योर हाउस फ्रॉम फायर और फ्लड। आप इमेजिन करो कि आप एक घर खरीद रहे हो, अब इस घर के साथ में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। आपके घर को आग लग सकती है, बाढ़ आ सकती है। अगर होम लोन दिया हुआ है, होम लोन पे मकान है, तो लोन की पेमेंट का इशू आ सकता है। अगर आप इंजर्ड हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट में, तो ये सारे रिस्क आपके घर के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इमेजिन दैट यू ओन अ हाउस, थिंक ऑफ सम रिस्क रिलेटेड टू दिस। दिस कैन इंक्लूड, इमेजिन दैट यू ओन अ बिजनेस, आप एक बिजनेस ओनर हैं। अब आपके साथ कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड हैं? आपका जो प्राइमिसेज है, में आप बिजनेस रन कर रहे हैं, उसमें कुछ डैमेज हो सकता है, फ्लड आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, इस तरह का रिस्क है। और आपका जो स्टॉक रखा हुआ है वो चोरी हो सकता है और उसमें लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इस तरह के रिस्क आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है। देयर आर फोर वेज इन विच रिस्क कैन बी मैनेज्ड, दीज आर, चार तरीके होते हैं जो रिस्क को मैनेज करने के लिए जरूरी होते हैं। अवॉइडेंस और प्रिवेंशन ऑफ रिस्क, रिस्क को अवॉइड कर दो, रिस्क को दूर कर दो, रिस्क लो ही मत। रिडक्शन ऑफ रिस्क, रिस्क को कम कर दो। रिटेंशन ऑफ रिस्क, रिस्क को रखना है। ट्रांसफर ऑफ रिस्क टू एन इंश्योरेंस कंपनी, या फिर रिस्क को किसी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करना है। अवॉइडेंस और प्रिवेंशन, रिस्क कैन नॉट बी कंप्लीटली अवॉइडेड और प्रिवेंटेड एज दीज आर ऑफन कॉज बाई नेचुरल पेरिल्स एज सच अलर्ट अर्थक्वेक। रिस्क को आप 100% दूर नहीं कर सकते, 100% रिस्क से नहीं बचा जा सकता है। खास तौर से प्राकृतिक आपदा का जो रिस्क है उससे आप कैसे बचोगे, बाढ़ आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है। रिडक्शन, अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, रिस्क को कम किया जा सकता है। उसके एग्जाम्पल है कि आप सीट बेल्ट लगा के चलो, अगर एक्सीडेंट भी होगा तो आपकी जान बच सकती है। आप स्मोक का डिटेक्टर, स्प्रिंकलर सिस्टम अपनी बिल्डिंग में लगा सकते हैं कि जैसे कहीं से धुआं उठेगा आपको पता चल जाएगा। इस तरह की चीजें करके आप रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। एक्सीडेंट के बाद या फायर के बाद आप किस तरह से रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो? आप जो गैस का सिलेंडर होता है आप उसका यूज कर सकते हो, आप पानी का यूज कर सकते हो आग बुझाने। तो ये टेक्निक्स होते हैं रिस्क रिडक्शन की। अब बात करते हैं रिस्क रिटेंशन की। रिटेंशन क्या है? रिस्क को अपने ऊपर लेना है, यानी कि मुझे किसी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, इतना रिस्क तो मैं खुद बियर कर सकता हूँ, उसे कहते हैं रिस्क रिटेंशन। अब रिस्क को रिटेन करने के लिए फिजिबिलिटी कहाँ हो सकती है, मतलब कहाँ पे फेवरेबल रहेगा कि आप रिस्क को रिटेन करें? द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिस्क अकरिंग सीम्स लो,
जहां पे लॉस आने की संभावना बहुत कम हो वहां आप रिस्क ले सकते हो। द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट शुड द रिस्क अकर, जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है यानी कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो ज्यादा लग रहा है आपको, बशर्ते रिस्क उतना नहीं है। देयर वुड बी नो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट शुड द रिस्क अकर, अगर रिस्क आ गया तो कोई निगेटिव इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पे नहीं आने वाला है, वहां पे आप रिस्क ले सकते हो। ए रिवर्स फंड इज सेट अप टू मीट रिस्क शुड इट अकर, एक रिजर्व फंड आप इसके लिए क्रिएट कर सकते हो, अगर रिस्क आया तो आप रिजर्व फंड से पे कर सकते हो, तो यहाँ पे आप रिस्क को रिटेन कर सकते हो। अब इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है? इसके फायदे ये हैं, द कॉस्ट में बी लेस एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड कमीशन कॉस्ट ऑफ द इंश्योरर डोंट नीड टू बी पेड, आप जो कमीशन है एजेंट का और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है इंश्योरेंस कंपनी की वो आपको पे नहीं करनी होती है। कोई एडवर्स क्लेम एक्सपीरियंस अगर आपका है तो प्रीमियम बढ़ा देते हैं, तो वो रिस्क भी आपको नहीं है। कोई डिस्प्यूट भी नहीं होता क्योंकि क्लेम आप इंश्योरेंस से लेते नहीं हो, तो कोई इंश्योरेंस और आपके बीच में कोई इस तरह का डिस्प्यूट भी नहीं होता है। अब इसके नुकसान क्या हैं? अगर कोई बड़ा लॉस आ गया, कैटेस्ट्रॉफिक इंसिडेंट हो गया, तो फिर आप संभाल नहीं पाओगे, ये इसका डिसएडवांटेज है। या मल्टीपल स्मॉल क्लेम बहुत सारे आते हैं तो उसको कैसे आप संभालोगे? फिर एक आपको एक नया काम करना पड़ जाएगा कि आप कुछ मनी को साइड में रखोगे, उसका एक रिजर्व फंड बनाओगे, अब ये मनी आप यूज भी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ रिस्क। दिस इज वेन अ रिस्क कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और रिटेन एंड इज पास ऑन टू अनदर पर्सन। ये कब होता है ट्रांसफर? कि ना तो आप रिटेन करना चाहते हो और ना आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो यानी कि खत्म कर सकते हो, तो उस कंडीशन में फिर रिस्क को ट्रांसफर किया जाता है। इंश्योरेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग रिस्क एंड एन इंश्योरर फाइंड्स अदर पीपल टू शेयर द रिस्क एज एन इंडिविजुअल इज अनलाइकली टू फाइंड अदर पीपल हु मे वॉन्ट टू शेयर रिस्क। इंश्योरेंस में क्या होता है कि ऐसे लोगों का एक समूह इकट्ठा किया जाता है जो सिमिलर टाइप के रिस्क होते हैं, एक ही तरह के रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी अंडर राइट कर लेती है। द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इज टू ब्रिंग पीपल हु आर एक्सपोज टू सिमिलर रिस्क टुगेदर। इंश्योरेंस का पर्पज क्या होता है कि ऐसे तमाम लोगों को जिनके साथ में एक तरह का रिस्क है उनको एक साथ लेके आना है, उनसे प्रीमियम कलेक्ट करना है और फिर जब उनका क्लेम हो जाए तो उन्हें कंपनसेट करना है। जनरल इंश्योरेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। जनरल इंश्योरेंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फायर आप समझते हैं आग, आग का बीमा, मरीन, मरीन बोले तो जो रास्ते में ट्रांजिट में जो कंसाइनमेंट जाते हैं जो रास्ते में होते हैं वो मरीन इंश्योरेंस में कवर होते हैं, और मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में तो सारे आ गए, मोटर इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट है, लायबिलिटी क्लेम्स है, लायबिलिटी इंश्योरेंस है सॉरी, ये सारे के सारे ये मिसलिनियस में आ जाएंगे। इन इंडिया एन इंश्योरर कैन नॉट कंडक्ट बोथ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। इंडिया के अंदर या तो आप लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हो या जनरल इंश्योरेंस कर सकते हो, कोई भी एक कंपनी जो है दोनों बिजनेस एक साथ नहीं कर सकती है, दोनों के लिए सेपरेट लाइसेंस लेना होते हैं। लाइफ के लिए अलग से लाइसेंस लेना होता है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए अलग से लाइसेंस लेना होता है। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद है। अपवाद क्या है? जो माइक्रो इंश्योरेंस है उनको IRDA ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अलाउ कर दिया है कि 50 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का बिजनेस को लाइफ और जनरल दोनों में कर सकते हैं। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी लाइफ का बिजनेस कर रही है और जनरल इंश्योरेंस में बिजनेस कर रही है तो इसका मतलब यह है कि लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप में उसको पास ऑन करेगी। ऐसी कंडीशन में क्लेम भी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वही पे करेगी। अंडरस्टैंड हाउ प्रीमियम आर फिक्स्ड। प्रीमियम को कैसे फिक्स किया जाता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी रिसीव सब्सटेंशियल अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम पॉलिसी होल्डर्स एंड दीज फंड्स मस्ट बी मैनेज केयरफुली इंश्योर दे हैव इनफ फंड्स टू पे क्लेम्स। इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारा पर्याप्त मात्रा में पैसा प्रीमियम के रूप में बीमा धारकों से जमा करती है, तो ये जो फंड आता है इसको प्रॉपरली मैनेज करना बहुत जरूरी है। अब इसमें इंश्योरेंस कंपनी की इनकम क्या है और उसके खर्चे क्या है इसको देखते हैं। प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड, जो बीमा धारक प्रीमियम देते हैं वो उनकी इनकम है, या जो इंटरेस्ट आता है जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में शेयर में, तो जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो इंटरेस्ट मिलता है, जो डिविडेंड मिलता है,
वो इनकी इनकम है। इनके खर्चे क्या है, ये क्लेम को पे करते हैं, जो अपने एम्प्लॉयज उनको सैलरी देती है, एजेंट ब्रोकर को कमीशन देती है, रेंट देती है, और भी दूसरे एक्सपेंसेस जो बिजली जनरेट करने में उसको मैनेज करने में होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। इस तरह के ये खर्चे करते हैं। द फंड्स टू बी हेल्ड इन रिजर्व आर डिटरमाइंड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द सोलवेंसी मार्जिन एज रिक्वायर्ड बाई लॉ। इसमें फिर एक लॉ आता है IRDA ने जो बनाया हुआ है कि आपको कुछ सर्टेन अमाउंट रखना पड़ेगा, सॉल्वेंसी मार्जिन आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो ये जो पॉलिसी होल्डर या बीमा धारक जो प्रीमियम देते हैं वो पूरा का पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी यूज नहीं कर सकती, उसे कुछ पैसा फंड्स के रूप में, रिजर्व के रूप में रखना होता है। अंडरराइटिंग क्या है, अंडरराइटिंग इज द प्रोसेस यूज टू डिटरमाइन एंट्री इन टू द ग्रुप। अंडरराइटिंग इंक्लूड्स असेसिंग द रिस्क टू डिटरमाइन द एक्सपोजर ऑफ द ग्रुप एंड डिटरमाइनिंग द प्रीमियम टू बी चार्ज बेस्ड ऑन द रिस्क। इस तरह का रिस्क को उस तरह का प्रीमियम अंडरराइटर चार्ज करता है। अंडरराइटर का काम है प्रीमियम बताना कि किसी रिस्क को लेने के लिए उसमें क्या प्रीमियम पड़ेगा, ये कौन बताता है, ये बताता है अंडरराइटर। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एन इंश्योरेंस कंपनी रिसीव ₹50,000 एज प्रीमियम रेवेन्यू एंड ₹20,000 एज इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम इनकम ईच ईयर। एक इंश्योरेंस कंपनी है 50,000 का प्रीमियम कलेक्ट करती है और ₹20,000 जो इन्वेस्टमेंट उसने किया हुआ है उस पर आता है, ₹70,000 टोटल उसको आता है। 70,000 आया, उसमें उसके खर्चे हैं 15,000 के सैलरी और बाकी जो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसिज है, उस पर ₹40,000 उसको रखना है रिजर्व में। इसके बाद बचता है 15,000, 15,000 को वो एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अपने पास रख सकती है या फिर अपने शेयर होल्डर में बोनस के रूप में भेज दे सकती है। तो पूरा का पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी यूज नहीं कर सकती। अब बात करते हैं री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्या है, द ट्रांसफर ऑफ रिस्क फ्रॉम वन इंश्योरेंस कंपनी टू एनोदर इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। एक रिस्क है, एक इंश्योरेंस कंपनी ने ले रखा है, बट उसे भी पता है कि अगर बहुत बड़े लॉसेज आ गए तो वो पूरी तरह से कैपेबल नहीं है, तो वो क्या करती है, वो एक री इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके अपने रिस्क का भी इंश्योरेंस कराती है। इस तरह की री इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट में मौजूद हैं। इन इंडिया ऑल द इंश्योरर्स आर टू कंपल्सरी सी 10% ऑफ देयर प्रीमियम टू द नेशनल री इंश्योरेंस दैट इज द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। एक GIC है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि री इंश्योरेंस का काम करती है इंडिया में, जो कि हमारी नेशनल री इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, उसकी में 10% हर इंश्योरेंस कंपनी को जमा करना ही है, 10% का उसका शेयर होता ही है, तो वो री इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस रिटेन रिस्क अप टू सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट, एक निश्चित लिमिट तक वो अपने रिस्क को रखते हैं और बाकी वो री इंश्योरेंस कंपनी को पास ऑन कर देते हैं। अभी री इंश्योरेंस का बिजनेस है ये किस तरह से अरेंज होता है, तो इसमें कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें री इंश्योरेंस के ब्रोकर्स हैं जो इंटरमीजरी के रूप में काम करते हैं और वो दोनों को मिला देती है, दोनों इंश्योरेंस कंपनी को मिला के उनका थोड़ा सा कमीशन होता है वो करके वो कर लेते हैं। इसके अलावा दो इंश्योरेंस कंपनी ट्रीटी कर लेती है, एक प्राइमरी इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी री इंश्योरेंस है, दोनों के बीच में ट्रीटी हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है। ट्रीटी कई तरह की होती है। अच्छा, किसी किसी रिस्क को री इंश्योरेंस रिजेक्ट भी कर सकती है, डिक्लाइन भी कर सकती है, तो बहुत सारे इसमें ट्रीटीज होती हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे री इंश्योरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है, आप एक बार जो PDF है ये इसमें से देख लेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो री इंश्योरेंस बिजनेस में यूज होती है वो मैं आपको बता दूं। सीडिंग टर्म यूज व्हेन द प्राइमरी इंश्योरेंस इंश्योरर पासिस रिस्क ऑन टू ए री इंश्योरेंस। एक प्राइमरी इंश्योरेंस कंपनी है वो री इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क पास करती है, तो जो रिस्क पास करने वाली कंपनी है उसे कहते हैं सीडिंग कंपनी और जिसके ऊपर रिस्क जा रहा है उसे कहते हैं री इंश्योरेंस। अब आता है रेट्रोसेशन। री इंश्योरेंस कंपनी भी अपने रिस्क को आगे ट्रांसफर करती है, आगे दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके अपने रिस्क को इंश्योरेंस कराती है। यानी कि एक हो गया इंश्योरेंस, फिर हो गया री इंश्योरेंस, फिर हो गया रेट्रोसेशन, री इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस, तो वो होता है रेट्रोसेशन। फिर ट्रीटीज हैं, बहुत तरह की ट्रीटीज होती हैं, जैसे हम एग्रीमेंट कह सकते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के और एक सपोज प्राइमरी इंश्योरेंस है और दूसरी री इंश्योरेंस है, इन दोनों के बीच में कई तरह की ट्रीटीज होती हैं। एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है फैकुलेटिव री इंश्योरेंस। ये क्या है, दिस इज वेन द री इंश्योरेंस हैज अ राइट टू डिसाइड वेदर दे शुड एक्सेप्ट द रिस्क और नॉट। इसमें क्या होता है, री इंश्योरेंस के पास च्वाइस होती है कि वो रिस्क को एक्सेप्ट भी कर सकता है और डिक्लाइन भी कर सकता है।
इसके अलावा होता है सरप्लस री इंश्योरेंस, ये एक एग्रीमेंट होता है, बियॉन्ड एक रिटर्न एक लिमिट है उसको सेट कर देते हैं, इसके ऊपर जो भी रिस्क जाएगा वो री इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर कोटा है, कुछ कोटा कहते हैं 80% हमारा, 20% हमारा, इस तरह से। फिर एक्सेस ऑफ लॉस होता है, एक्सेस ऑफ लॉस क्या है, एन अरेंजमेंट वेयर इन द री इंश्योरेंस स्टेप इन ओनली इफ देयर इज ए लॉस दैट एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट। कोई लिमिट तय कर लेते हैं, भाई ये 10 करोड़ के ऊपर कोई लॉस आएगा तो हम इसको देख लेंगे। फिर होता है एक्सेस ऑफ लॉस रेशियो, उसमें रेशियो देख लेते हैं कि भाई अगर 110% क्लेम रेशियो हो गया या 90% क्लेम रेशियो हो गया तो री इंश्योरेंस कंपनी पिक्चर में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। फिर इसमें भी क्या होता है कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां मिलकर एक पूल अरेंजमेंट कर लेती हैं, एक पूल को उन्होंने बना लिया कि अगर कोई इससे बड़ा रिस्क हुआ तो इस पूल से उसका पेमेंट किया जाएगा। अब जो इंश्योरेंस है इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट में क्या रोल है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ग्रोज पैरेलल इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन बिजनेस एंड बिजनेस डिपेंड्स ऑन इंश्योरेंस। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिपेंड करता है इंश्योरेंस पे, और बिजनेस जो है इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है बिजनेस पे, और बिजनेस डिपेंड करता है इंश्योरेंस पे। अगर बिजनेस का इंश्योरेंस नहीं होगा तो बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑल ऑफ सडन कोई बड़ा लॉस आ गया तो बिजनेसमैन उसको बियर नहीं कर पाएगा और उसे अपनी कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, इमेजिन यू ओन ए टेक्सटाइल कंपनी, थिंक ऑफ सम ऑफ द रिस्क दैट कुड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कंपनी एबिलिटी टू कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग। आपकी फैक्ट्री के मालिक है, टेक्सटाइल मिले आपकी, और कुछ रिस्क इस तरह के हो सकते हैं जो आपकी जो एबिलिटी है, जो आपकी क्षमता है कंपनी को रन करने की, उसे खत्म कर दें, कम कर दें। जैसे एक फायर हो गया तो वो आपकी क्षमता पे असर डालेगा, आपकी मशीनरी है उसको चोरी कर लिया गया, क्षमता पे असर डालेगा, आपके स्टॉक को चोरी कर लिया गया, क्षमता पे असर डालेगा। इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी, एक एग्जांपल लेते हैं, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द इनकम अर्निंग मेंबर ऑफ अ फैमिली अनएक्सपेक्टेडली डाइज एंड दे डिड नॉट हैव लाइफ इंश्योरेंस। अब एक अर्निंग मेंबर है फैमिली का, वो एक्सपायर कर गया, द फैमिली वुड बी अफेक्टेड इन सम ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब ये वो फैमिली है वो किस तरह से अफेक्ट होगी ये हम देखते हैं। इनएबिलिटी टू पे एनी आउटस्टैंडिंग डेट एज द सोल इनकम अर्नर हैज डाइड, अगर कोई कर्जा ले रखा है उसने तो वो देने में असमर्थ है। इसी तरह से जो इसेंशियल आइटम्स हैं जैसे खाना, कपड़ा, घर, इन सब को पे करने की जो बेसिक चीजें हैं इसको पे करने में फैमिली असमर्थ है। इनएबिलिटी टू पे फॉर चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन की जो एजुकेशन है, बच्चों की जो एजुकेशन है उसको भी देने में, फीस देने में फैमिली असमर्थ है, इस तरह से फैमिली अफेक्ट करेगी। द फैमिली वुड बिकम अ बर्डन टू द सोसाइटी एज दे वुड रिलाई ऑन द गवर्नमेंट फॉर इनकम। अब ये फैमिली क्या होगी, ये बर्डन हो जाएगी सोसाइटी के ऊपर, और ये उम्मीद करेंगे गवर्नमेंट से कि वो इनको कुछ रिलीफ दें। लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रिवेंट फैमिली फ्रॉम बिकम अ बर्डन ऑन द सोसाइटी। अब कुछ लाइफ इंश्योरेंस की और कुछ जनरल इंश्योरेंस की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, अगर वो आपने ले रखी है तो फिर ऐसी सूरत हाल में आपकी फैमिली को बैकअप मिल जाएगा। अब हम इसको समराइज करते हैं, देयर आर फोर वेज इन विच रिस्क कैन बी मैनेज, डीज आर प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, रिडक्शन, रिटेंशन और ट्रांसफर। चार तरह से हम लोग रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं यानी कि रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिटेंशन कर सकते हैं, खुद ले सकते हैं या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इंश्योरेंस कैसे काम करता है, एक तरह के रिस्क के बहुत सारे लोग एक साथ जमा होते हैं, एक साथ प्रीमियम देते हैं और उसी पूल में से जिनका लॉस होता है उनको वो दे दिया जाता है। एक इंश्योरेंस कंपनी से रिस्क ट्रांसफर होकर दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं री इंश्योरेंस। हमारे देश में री इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है। हर इंश्योरेंस कंपनी 10% अपना शेयर PIC के पास, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास जमा करती है री इंश्योरेंस के तौर पर। इन एन इंश्योरेंस रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज नॉट ट्रीटेड एज प्रॉफिट, जो इंश्योरेंस का रेवेन्यू है, जो उसकी इनकम है, प्रीमियम की इनकम है, उसे हम प्रॉफिट ट्रीट नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे खर्चे इन्वॉल्व होते हैं, उसका क्लेम्स का फ्यूचर में क्या आने वाला है वो सारा इन्वॉल्व होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम आर बेस्ड ऑन द
expectation of loss, and insurers use statistical principles such as law of large number to determine these. तो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है कि लॉस के आने के चांसेस कितने हैं, और फिर कुछ डाटा पे काम करके जैसे हम लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहते हैं उससे पे काम करने के बाद वो प्रीमियम डिसाइड होता है। जनरल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट टू द कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेड बाय फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ एट क्लेम टाइम व्हिच इन टर्न कैन प्रिवेंट बिजनेस ग्रोइंग गोइंग ब्रोक। बिजनेस में जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस ग्रो कराने में जनरल इंश्योरेंस का बहुत बड़ा रोल है। अंडरराइटिंग इज द प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमाइन एंट्री टू द ग्रुप। अंडरराइटिंग जो है वो एक प्रोसेस है, वो तय करता है कि इस रिस्क पे क्या प्रीमियम रहने वाला है। तो ये था आज का चैप्टर नंबर 2। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के चैप्टर नंबर 3 की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।